हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मलाई का मैसूर पाक। मलाई का मैसूर पाक बनाने के लिए हमें चाहिए 4 कप मलाई, अब हम गैस ऑन करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जब मलाई मेल्ट हो जाए और साइड में बबल आने लगे, तब हमें उसमें 2 कप घर की पिसी हुई शक्कर डालनी है और अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे, हमें इसे लगातार एक ही डायरेक्शन में चलाना है। हम इसे लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि मलाई नीचे बहुत जल्दी चिपकने लगती है। धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगेगा और साथ ही ये घी छोड़ने लगेगा। अब इसमें जाली बनना शुरू हो जाएगी और ये थोड़ा फूल भी जाता है। अब हम इसे एक थाली में लेंगे। हमें थाली को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी घी छूट जाता है। मैसूर पाक को थाली में डालने के बाद हमें थाली को हिलाना नहीं है, ना ही उसे टैप करना है, क्योंकि इसमें जो जाली बनी है वो बिगड़ सकती है। अब जो भी एक्स्ट्रा घी थाली में आया है, हम उसे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। आप इस घी को कुछ भी मीठा, हलवा वगैरह बनाने में काम में ले सकते हैं। अब हम इसे 8 से 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद हम इसमें कट लगाएंगे। तो तैयार है हमारा मलाई का मैसूर पाक। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।